इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नवीन कर्म न बने क्रियमाण रोके हम, हमारे बस में है, वरना फल भोगना होगा। कर्म फल से भगवान कृष्ण नहीं बच सके, राम जी नहीं बच सके, भगवान है साक्षात नारायण है। कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी। और प्रारब्ध का भोग भोगते चलें, जो संचित हुआ है, तो इस जन्म में क्रियमाण नहीं बनेगा, अगले जन्म तक प्रारब्ध भस्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, भस्म क्या होगा। क्रियमाण करेंगे तब न प्रारब्ध में कुछ बचेगा। भाग दिया 24 में 6 का भाग दिया, कितना शेष बचेगा? छह चौका शेष बचेगा ही नहीं, कट जाएगा। 25 में 6 का भाग देंगे तो बचेगा अब इधर, क्योंकि दशमलव शुरू हो जाएगा, बचेगा इधर। अब यही कर्म अपने को करना है, नवीन कर्म बनाना ही नहीं है। शरण में आ जाएंगे, काम कठिन नहीं है, समझ में आ जाए बस, बहुत सरल है साहब। नवीन कर्म न बनाए। एक बात और, जो हम पालन नहीं कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए नाटक न करें। आज एक मेरे मित्र के पिताजी का टेलीफोन आया, महाराज तिथि निकाल लिया है, आप बता दें अनुकूल तो उसी को रख लें। मैंने पूछा बाबूजी कहाँ विवाह तय किया? पहला वाक्य सुनिए, बहुत अद्भुत है। बोले कुछ लिया नहीं। पूछा क्या मैंने? आप जो पहले कह रहे हैं वो आपके अंदर घूम रहा है, इच्छा तो लेने की थी लेकिन इतना दबाव था कि ले नहीं पाए। ऐसे लोग अपनी बहू से जीवन भर कहते हैं, इनके पिताजी से मैंने कुछ नहीं लिया, प्लेट भी नहीं लिया। अरे उस बिचारी को जीवन भर सताने से अच्छा है कुछ तो ले लेते श्रीमान, बहू की जीवन तो कम से कम आनंद में रहता। चलो जो ले लिया ठीक है, ये बंद करो। ये तथा कथित त्याग भरा नाटक आपके लिए भी ठीक नहीं, मेरे लिए भी ठीक नहीं। तो बड़ी चर्चा होती है, व्यवहार की चर्चा है, ये बहुत बड़ा परमार्थ है। केवट जी ने कहा नहीं लेना, नहीं लिया। तब भगवान ने विमल भक्ति दी। भगवान क्या नहीं जाते, सब जानते हमारा आपका नाटक, वो जानते। क्यों नाटक करना भाई, खुद ही बहुत बड़े नाटककार हैं। भगवान कितने बड़े नाटककार हैं देखे स्वयं। ऐसी लीला जब रघुनाथ की निधन लीला, समझत मोहि होती अति ब्रीड़ा। क्या किया? अरे मेघनाथ कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो, बंधन काट गज उरगारा, उपजा हृदय प्रचंड। इनसे बड़ा कौन नाटकी है, चुपचाप बंधन में आ गए। भव बंधन ते छूट ही नर जप जा कर नाम, खरब निसाचर बांधेवु नाग पास सुईरा। भगवान इतने बड़े स्वयं नाटककार हैं, खुद ही इतनी बढ़िया नाटककार का कार्य करते हैं कि कोई समझ नहीं पाता। नारद जी ने गरुण जी को भेजा, बंधन से मुक्त किसने किया गरुण जी ने? अरे गरुण जी बंधन मुक्त करते ही विकल हो गए।
जो नारद जी कह रहे थे जगत से जीव नाम जप के बंधन मुक्त होता, उनको मैंने बंधन से छुड़ाया। ऐसी बात है जैसी हम लोग भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा करके और पूरे मोहल्ले को बताते हैं 56 प्रकार लगाया है आज। कहां से लाए थे? बाजार से मंगाया था कि मिठाई की दुकान, मिठाई वाला, बिस्कुट, टाफील, 56 प्रकार हुआ कंपट, 56 प्रकार है नहीं। हम चाहे जैसे खुश हो लेते हैं, भगवान खुश हो हम इसकी परवाह नहीं करते, अपने खुश हो लेते हैं, इसको कहते हैं खुश फहमी। अन्यथा लादे हैं बोझ। भगवान सदैव प्रसन्न है, उनको ना आपके 56 की चिंता है ना 72 की चिंता है। अरे भगवान, कंदमूल फल सुर सयती दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कहीं भगवान ने स्वाद देखा क्या? भगवान ने पूछा इसमें स्वाद नहीं? अरे ये तो खट्टा है। भगवान ये देखे कौन किस भाव से लाया। आप घर में सेवा करिए, अष्टमी को करिए, नवमी को करिए, बढ़िया श्रद्धा से बनाइए, देखिए क्या रस टपकता है। 56 प्रकार में 6 गायब करिए, 5 प्रकार का लगाओ, घर में घोटाओ, मंदिर में, घर में तो गप होगा, बाजारी से सामान आएगा, कैसे श्रद्धा बनेगी? श्रद्धा बाजार में नहीं बिकती, यदि बिकती होती तो बड़े आदमी लोगों के लॉकर में, बैंक में बंद होती। श्रद्धा हृदय में होती है साहब, श्रद्धा से करिएगा तब रस बरसेगा। ये भक्ति पूरी श्रद्धा का व्यवहार है। आप और हम सब सबके लिए, गृहस्थ साधु विरक्त सबके लिए, जो श्रद्धा में है वो आनंद में। हमारे श्री अध्यानाथ सरकार, पूज्य स्वामी गोपालानंद जी महाराज, गोपालदास जी महाराज, हजारा माला तकिया बना के नीचे रखे। हमने कहा स्वामी जी ये माला आप जपते नहीं है? बोले माला हम नहीं जपते हैं, माला अब हमको जपता है। क्या मतलब? बोले हमने जप लिया, अब माला तकिया लगाए, अभी माला इतना जप लिया हूं, ये माला खुदे जपता है मेरा, है ना? ऐसा नहीं, वो तकिया लगाए माला को जपते रहते हैं, राम 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 राम, केवल हमको समझा रहे थे। नहीं जपते तो बोल पाते क्या? भजन करो सब होगा, भजन करो। किसी ने पूछा भजन करें तो भोजन कैसे होगा? तो स्वामी जी क्या बोले? मूर्ख, जैसे मेरा हो रहा वैसे तेरा होगा। भजन हम आपने उस पक्षी का नाम सुना है ना, टिटिहिरी, टिटिहिरी का नाम सुना? उल्टा लटकती है, उल्टा आकाश की ओर उल्टा लटकी थी। किसी पक्षी ने पूछा तो उल्टा क्यों लगती है? मूर्ख है, आकाश गिरे नहीं इसके लिए रोक रखी हूं। ला, आकाश गिरने वाला है क्या? हाँ, बस हमारी आपकी स्थिति ऐसी है, उल्टा लटके हैं हर आदमी, देख रहे हो, सारा घर मैं चला रहा हूं। चले जाओगे तो कौन चलाएगा? सब भगवान चला रहे, कोई कुछ नहीं चला रहा। आप तो और हम अपना अपना कर्म करते चले साहब। अयोध्या से राम जी चले गए, अयोध्या किसने चलाया? खड़ा उन्हें, अयोध्या किसने चलाया? खड़ा उन्हें। तंत्र चलाता है, व्यक्ति नहीं चलाता। हम आप ये विश्वास कर लें कि सब कुछ भगवान चलाता, हम आप केवल निमित्त मात्र हैं, निमित्त होना है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। इससे अभिमान मरेगा, गलेगा, डूब जाएगा समुद्र में जाके। भक्तराज केवट ने यही कहा था, प्रभु कुछ नहीं पा गए आपको, अब क्या चाहिए? हाँ, हम पाए क्या? क्यों? क्योंकि हमारी कोई सीमा नहीं है साहब, कितनों मिल जाए, लाओ ला,
कई लोग किसी के घर में जाते हैं ना तो मोमिया ता करके रख लेते हैं। क्या करेंगे, घर में काम आएगी। अरे अद्भुत अद्भुत है साहब आप। मोमिया लेना बच्चा था है, ये स्वभाव होता है, इसी को आसक्ति कहते हैं। काजू आएगा, काजू थोड़ा तो खा लेंगे, थोड़ा पाकिट में रख लेंगे, क्यों होता है ना, उसको खिलाएंगे। अभी बेटे से प्रेम नहीं भरा, आसक्ति है। आप कहोगे महाराज बुढ़ापे में पता चलेगा, पता चलेगा ही नहीं, अभी जवानी में नहीं आएगा तो बुढ़ापे में क्या आएगा जी। सुबह को खावे, सांझ को झक्खे, ताको भूषण संग न रखे। जो सुबह दिया है वो शाम को भेजेगा, नहीं भेजेगा हरिहर गोविंद हरि, कोई चिंता नहीं, खाने सोने वाला मेरे यहां से भाग जाता है। खाने सोने के लिए पैदा है कि भजन करने के लिए पैदा है, सावधान। केवट जैसे ज्ञान मेरी, ये कोई लोग हमारे कमरे में नहीं सोते, भाग जाते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जीवन अनमोल है, प्रेम में लगाइए, असन से, बसन से, व्यसन से, भगवान से प्रेम होना चाहिए, ये सूत्र है, सिद्धांत। माँ जानकी जी ने, मेरी माँ ने गंगा जी का पूजन माना, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, आप पतिदेव देवर के साथ कुशल आएंगी, अवश्य आपकी कीर्ति दिग्दिगंत में छाएगी। परमात्मा हमारे आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए जहां से हमारे पुरोहित जी पधारे। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। कहि सकै प्रयाग प्रभाउ, ओ कहि सकै प्रयाग प्रभाउ, कलश पुंज सागर तीर्थराज प्रयाग दर्शन कर लेने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, पाप रूपी पक्षियों को बधने वाला, पाप रूपी पक्षियों को बधने वाला तीर्थराज प्रयाग साक्षात मृग स्वरूप अर्थात बहेलिया जैसा। कलुष पुंज कंजर हिरन मृगराव सिंह, भरत भैया की यात्रा में लिखा है, भरत जी को देखकर लोगों का भाग्य कैसे जग गया, जैसे श्रीलंका वालों को प्रयाग दर्शन हो जाए तो भाग्य जग जाता है। अब आजकल देखिए कैसा कलयुग आ गया है बाबूजी, कथाएं श्रीलंका में हो रही हैं। हमको भी प्रस्ताव आया था, मैंने कहा अब लंके बची है कथा बांचने के लिए, अयोध्या में सुनो। बोला नहीं नहीं हम टूर ले जाते हैं। हमने कहा हम टूर वाले नहीं हैं, हम फूर हो जाएंगे। कथा अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, दिव्य तीर्थों में, उज्जैन अवंतिकापुरी में, कांची द्वारिका, अरे सप्तपुरियों में कथा सुनो ना, स्विट्जरलैंड में और क्रूज में और श्रीलंका में। ले देखो भैया सब काम ठीक है, अपने मन को गलत समझा लेना ये सबसे बड़ा खराब है। सही समझ में आ जाए तो मंगल, और गलत हम सही समझ गए तो अमंगल, भला न होगा।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।